मनोज टेस्टी रेसिपीज में आज हम बनाने वाले हैं कराची हलवा। जी हाँ, इसे बॉम्बे हलवा भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा देखने में भी ये खूबसूरत लग रहा है, तो और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना है। तो अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से परफेक्टली तरीके से इसे बनाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और इस वीडियो में जितने भी हमने टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं उन सबको फॉलो करना और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना परफेक्टली बना है, ना तो ये ज़्यादा हाथ में चिपक रहा है और ना ही ये ज़्यादा हार्ड बना है। इतनी ट्रांसपेरेंट, शाइनी और डिलीशियस रेसिपी बनाने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहें और इन्जॉय करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनु। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बॉम्बे कराची हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर एक कप कॉर्नफ्लावर लेंगे। आप अपने घर के किसी भी कप से सारी मेजरमेंट कर लेना। तो जिस कप से मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था उसी कप से नाप के इसके अंदर हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। पहले मैं इसके अंदर एक कप पानी का धीरे धीरे ऐड करूँगी और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी इसके अंदर लम्स ना रहे, और इसके बाद इसके अंदर दूसरा कप पानी का भी ऐड कर देंगे। यानी कि हमें एक कप कॉर्नफ्लावर लेना है और उसी कप से नाप के दो कप इसके अंदर पानी मिक्स करना है। अब मैं इसके अंदर दूसरा कप पानी का भी ऐड कर दूंगी और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। बॉम्बे कराची हलवा बनाने के लिए आप हमारे इस वीडियो के सारी टिप्स और ट्रिक्स को अच्छे से फॉलो करना, तो आप बिना फेल हुए इसे बहुत ही परफेक्टली तरीके से बना पाएंगे। देखिए, मैंने इसके अंदर दो कप पानी के ऐड कर दिए हैं। बस हम इस घोल को तैयार कर एक साइड में रख देंगे। उसके बाद मैं बिल्कुल इसी तरीके का एक बाउल मेरे पास है जिसे मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी ताकि इसके अंदर मैं जब मेरा हलवा तैयार हो जाए तो मैं इसको इसके अंदर अच्छे से सेट कर सकूं, जमा सकूं। ये काम हमें हलवा बनाने से पहले ही कर लेना है क्योंकि बनने के बाद उसे फटाफट इसके अंदर हमें ट्रांसफ़र करना होगा क्योंकि वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो इसे अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है। आप चाहे तो इसके अंदर बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर खाली हल्के से घी लगा के इसको ऑयलिंग की है इसकी, और इसके बाद इसके अंदर मैंने पिस्ता, बादाम जो ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। उसके बाद हम हलवा बनाना शुरू कर लेते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने बिल्कुल सिम गैस के ऊपर एक बर्तन रखा है। उसके अंदर मैंने जिस कप से एक कप कॉर्नफ्लावर लिया था उसी कप से नाप के आधा कप मैंने पानी लिया है। अब उसी कप से नाप के मैं इसके अंदर दो कप चीनी के ऐड कर दूंगी। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो ही रखना है। क्योंकि इसके अंदर पानी थोड़ा सा हमने कम ही ऐड किया है। आप सारी मेजरमेंट बिल्कुल उसी हिसाब से कीजिए जैसे हम कर रहे हैं तो आपका हलवा बिल्कुल ही परफेक्टली बनेगा। आप जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। बस हमें चीनी को मेल्ट करना है, हमें कोई चाशनी तैयार नहीं करनी। अब चीनी के मेल्ट होने के बाद जो हमारा कॉर्नफ्लावर है उसे धीरे धीरे करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे और एक हाथ से उसे हिलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। अगर हमारा गैस सिम है तो लम्स बनने के चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन अगर गैस थोड़ा सा भी मीडियम भी हो गया तो इसके अंदर गुठलियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी, यानी कि लम्स बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो कॉर्नफ्लावर है ये बहुत जल्दी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। बस अब गैस की फ्लेम को सिम रखना है और एक हाथ से हमें इसके अंदर कॉर्नफ्लावर के घोल को ऐड करना है। उसे अच्छे से हिला लेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लावर भी जो बर्तन के नीचे लग जाता है। अब सारा कॉर्नफ्लावर इसके अंदर डाल के इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, बस गैस की फ्लेम को कम ही रखना है। इसे धीरे धीरे चलाते रहना है। अब 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे इसे हिलाते हुए और तो इसके अंदर एक जेली टाइप बनना स्टार्ट हो गया है। बस यही इसका साइन होता है कि इसका टेक्सचर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब इस
स्टेज के ऊपर, इसे हमें कंटिन्यूसली चलाना है और गैस को बिल्कुल सिम कर देना है। अब इसे चलाते हुए हमें इसके अंदर एक एक टीस्पून करके घी ऐड करना स्टार्ट करना है। ये मैंने एक टीस्पून इसके अंदर घी ऐड किया। घी डालने से इस हलवे के अंदर एक ट्रांसपेरेंट शाइनिंग आ जाएगी। घी हमें एक एक टीस्पून करके ऐड करना है। गैस को हमें बिल्कुल सिम रखना है। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वरना आपका कॉर्नफ्लोर जल्दी इकट्ठा हो जाएगा और फिर वो चीज़ नहीं बनेगी जो हमें बनानी है। तो अब घी हमने 2 टीस्पून इसके अंदर घी ऐड कर दिया है। अब इसके बाद मैं 1/3 चम्मच भी इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। ये मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून घी का और ऐड कर दिया। हमने टोटल 3 टीस्पून ऐड कर दिए हैं। घी की क्वांटिटी 1/2 कप के करीब हमारी लग जाएगी। 3 टीस्पून ऐड करने के बाद अब 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। घी हम इस हलवे के अंदर बैचेस में ऐड करेंगे ताकि हमें पता चले कि हलवे को कितने घी की जरूरत है। जब इसके अंदर पूरा घी डल जाएगा तो जितना इस हलवे ने घी चाहिए होगा ये उतना ही लेगा, उसके बाद ये घी लेना बंद कर देगा। बस इसको ये देखिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट शाइनी, एकदम शाइनी लग रहा है ये। अब इसके अंदर बस 1 टीस्पून और मैं ऐड करूँगी तो मेरा 1/2 कप के करीब ये घी लग चुका है। बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, उसमें बाद में ऐड करूँगी। अब इसके अंदर हमने सारा घी ऐड कर दिया है। हाँ जी, अब ये देखिए, अब इसके अंदर मैंने इलायची ऐड की है। इलायची पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से हिला लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैंने वाटरमेलन के बीज ऐड करूंगी। इससे इस हलवे की लुक बहुत ही अच्छी आती है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। वाटरमेलन के बीज इसके अंदर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं इसके अंदर बादाम पिस्ता ऐड कर रही हूँ। अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स और तरबूज के बीज, इलायची पाउडर, ये सारी चीज़ों को इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मेरी अभी भी लो ही है। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद मेरा थोड़ा सा घी बच गया था, मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। तो अब बारी आती है इसके अंदर कलर ऐड करने की। तो हमने इसके अंदर येलो कलर ऐड किया है। आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, ग्रीन भी ऐड कर सकते हैं, रेड भी ऐड कर सकते हैं। तो जो मार्केट में हलवा बनता है उसमें भी कलर ऐड किया होता है, तो कलर डालना इसके अंदर ज़रूरी होता है क्योंकि उसी से इसकी अच्छी लुक आएगी। बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि अब हमें ये चेक करना है कि हमारा हलवा अच्छे से बन गया है या अभी भी ये कच्चा है। मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसे चलाते हुए। अब मैं इसका टेक्सचर चेक करूंगी। उसके लिए मैंने एक कटोरी के अंदर पानी लिया है। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर पानी का टेम्परेचर है जो मैंने लिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा हलवा इसके अंदर डाल के देखूंगी कि वो किस टेक्सचर का है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस हलवे का कलर जो है वो ठंडा होने के बाद एकदम चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा हलवा डाला है, उसका कलर आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद एकदम से चेंज हो गया है। ये देखिए, इसके अंदर जो हलवा है उसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो ये जो हलवा हम बना रहे हैं ये रेडी होने के बाद बिल्कुल लाइट येलो कलर का हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप बाद में जब इसको ठंडा हुए हुए 2 घंटे रखने के बाद देखें तो आप ये ना कहें कि जो मैं बना रही थी उसका कलर तो कुछ और था। तो मैंने इसका कलर भी चेक कर लिया है और इसका टेक्सचर भी चेक कर लिया। ये अभी काफ़ी पतला है क्योंकि ये अभी कच्चा है, इसे और चलाना पड़ेगा। अब 5 से 6 मिनट इसको और चलाने के बाद मैं इसको फिर से चेक करने वाली हूँ। इस बार मैं इसको थोड़ा सा स्पून से चेक करूँगी क्योंकि अब ये थोड़ा सा और इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अब आप इसके बाद देख सकते हैं कि
पानी के अंदर मैंने इसको जब निकाल के हाथ में दे रही हूँ तो ये काफ़ी इकट्ठा होना शुरू हो गया है। ये देखिए, इससे पता चल रहा है कि हमारा हलवा एकदम रेडी है। बस एक दो मिनट और चलाने के बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो आप भी ये बॉम्बे कराची हलवा बनाइए और खाइए, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। ये देखिए कितना ज़्यादा शाइनी और ट्रांसपेरेंट बना है हमारा कराची हलवा। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे जिसमें हमने ग्रीस लगाकर ड्राई फ्रूट्स लगाए थे। ये 2 घंटे सेट होने के बाद आप देख सकते हैं कि हलवे का कलर कितना प्यारा आया है। वाओ, बिल्कुल वैसा ही आया ना जैसा मैंने आपको पानी में डाल के दिखाया था। जी हाँ, ठंडा होने के बाद इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया है। तो अब इसे काट के हम पीसीस तैयार कर लेते हैं। तो मैं इसे एक साइड से काट के इसके पीस तैयार कर लूँगी और फिर मैं आपको एक पीस दिखाऊंगी भी कि उसका टेक्सचर कितना ज़्यादा परफेक्टली बना है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये देखिए, जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखा चुकी हूँ कि कितना ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल बना है, एकदम परफेक्ट। तो गाइस, आप भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।